व्हाट इज द डिफरेंट? ही सेड व्हाट इज द डिफरेंट, वी नेवर से व्हाट इज द डिफरेंट, ऑलवेज से व्हाट इज द डिफरेंस. डिफरेंट वर्ड नहीं बोला जाता, व्हाट इज द डिफरेंट नहीं बोलता. आपने बहुत लोग सुने होंगे ग्रामेटिकली मिस्टेक करते कॉमन, व्हाट इज द डिफरेंट, डिफरेंट नहीं होता है, व्हाट इज द डिफरेंस. दिस इज अ 3 months कोर्स. शी सेड दिस इज अ 3 months कोर्स. 3 months कोर्स नहीं होता है, दिस इज अ 3 month कोर्स. दिस इज अ 3 month कोर्स. 3 months नहीं होगा वहाँ पे, मंथ लगेगा. थैंक यू आई रियली एंजॉयड. शी सेड थैंक यू आई रियली एंजॉयड. ये एंजॉयड वर्ड है, कभी अकेला नहीं आता है, इसके बाद में कोई ना कोई चीज़ आपको लगानी पड़ती है. जैसे थैंक यू आई रियली एंजॉयड माई सेल्फ, आई रियली एंजॉयड द फूड, आई रियली एंजॉयड द डांस. तो एंजॉय वर्ड के बाद में आपको कुछ ना कुछ लगाना पड़ेगा. आई एंजॉय प्लेइंग विद यू, आई एंजॉय गोइंग ओवर देयर. तो आई रियली एंजॉय माई सेल्फ, शी रियली एंजॉयड हर सेल्फ, ही रियली एंजॉयड हिम सेल्फ. तो एंजॉय के बाद में हमेशा कोई वर्ड आपको लगाना जरूरी होता है, अकेला एंजॉय नहीं आता है. दिस इज माई, शी सेड दिस इज माई. कोई चीज़ है अपने, जैसे दिस इज़ माई, आप कभी नहीं बोल सकते. माई के बाद में आपको कोई ना कोई वर्ड लगाना पड़ता है, कोई चीज़ लगानी पड़ती है. जैसे दिस इज़ माई शर्ट, दिस इज़ माई मोबाइल, दिस इज़ माई वॉच, ऐसे लगाएंगे. लेकिन आप बोलते केवल दिस इज़ माई, तो वहाँ नहीं बोलना चाहिए, बजाय हमें बोलने के बोलना चाहिए दिस इज़ माइन. आपने देखा पेन रखा हुआ है, दिस इज़ माइन. बुक है, दिस इज़ माइन. आप बोलते दिस इज़ माई बुक तो ठीक है, लेकिन केवल आपको बोलना दिस इज़ माई वो गलत होता है, बोलना चाहिए आपको दिस इज़ माइन. इससे आप बोल सकते हैं. इंग्लिश सीखने को वेस्ट नहीं, लेट इंग्लिश. थैंक यू.